नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट फ्यूचर्स और बाजार। आज जितनी ज्यादा गिरावट नहीं है जिसने पिछले पूरे हफ्ते या फिर पिछले एक दो ट्रेडिंग सेशन हमने देखी, लेकिन फिर भी आज ऊपरी स्तरों पर दबाव रिफ्लेक्ट हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन ही आपको बता देगा कि आज डिक्लाइंस के फेवर में मार्केट ज्यादा है। किसी ना किसी तरीके से स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट्स पे, और 8464 के लेवल पे 20 पॉइंट्स की गिरावट इसमें निफ्टी पे देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक 33 अंकों की गिरावट है, लेकिन जो कार्नेज हुआ है उसमें एक सेक्टर आज डैमेज्ड है, वो है फार्मा। फार्मा स्टॉक्स पे आज तगड़ी बिकवाली आज के सत्र में होती हुई नजर आई। सभी हैवी वेट्स जो हैं जैसे कि सन फार्मा, ग्लेनमार्क, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन और बिंदो फार्मा, इन स्टॉक्स की पिटाई हुई आज। डिफेंसिव के तौर पे जहां खरीदारी थी वो है एफएमसीजी स्टॉक्स, आईटीसी, एचयूएल, कोलगेट, ये डेरिवेटिव मार्केट से बहुत एक्टिव है। पूरी डेरिवेटिव मार्केट की थीम ही आ जाएगी, बिकवाली हुई है फार्मा में और खरीदारी एफएमसीजी में। फटाफट से ऑप्शंस और फ्यूचर्स के आंकड़े देख लेते हैं क्योंकि कार्नेज इतना स्ट्रांग नहीं है आज। आज निफ्टी ऑप्शंस में आपको इतने प्रीमियम में ज्यादा बदलाव दिखेगा नहीं। फ्यूचर जो है वो 15 लाख शेयर्स आज के सत्र में जुड़ते हुए नजर आए। निफ्टी फ्यूचर में 8% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, कहीं बॉटम ना बनाए आज के मार्केट में मार्केट, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली बिकवाली है और ओपन इंटरेस्ट आज के सत्र में बढ़ा है और साथ ही साथ भाव इतनी स्ट्रांगली तरीके से नहीं टूटा है। ये अब देखते हैं ट्रेडर्स कैसे समझ रहे हैं इसको, लेकिन निफ्टी बैंक 7% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। 5500 की पुट सिर्फ 8% प्रीमियम बढ़ा, ये देखिए आप, और 6% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। यानी इतनी स्ट्रांग एक्यूमुलेशन जो है वो पुट में आज नहीं देखने को मिल रही है। कॉल फ्रंट पे भी 6% प्रीमियम घटा है 5500 की कॉल का, और ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से एक्यूमुलेशन 36% ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप आज के सत्र में देखने को मिला। तो एक रेंज बाउंड सेशन आज मार्केट्स पकड़े हुए हैं, बायस थोड़ा सा नेगेटिव, माइल्डली नेगेटिव है। जेके जैन साहब मेरे साथ इसमें जुड़े हैं कारवी स्टॉक ब्रोकिंग से। जैन साहब शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर सबसे पहले तो ये जो निफ्टी पे अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट लेवल्स जहां पर आप कंफर्टेबल होंगे खरीदारी करने के लिए, या फिर आप मानते हैं जो बिकवाली है यूएस इलेक्शन तक अभी और जब तक रिजल्ट्स नहीं आ जाता जारी रह सकती है? अगर देखिए आई थिंक इंडेक्स रेंज बाउंड मूवमेंट था पिछले डेढ़ महीने से 8500 और 8700 के रेंज में घूम रहा था, तो 87 या 85 नीचे के स्तर पे ब्रेक डाउन दिया है, तो मेरे हिसाब से अभी खरीदारी का कोई मतलब नहीं बनता है। सपोर्ट देखने से अच्छा बेहतर स्ट्रेटेजी होगा कि ऊपर में अगर 8600 या 8650 क्रॉस कर देता है तभी बाय करना बेटर स्ट्रेटेजी होगा। नीचे में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है जहाँ पे हमें लगता है कि अभी इमीडिएटली खरीदारी करनी चाहिए। नीचे अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखोगे तो 200 डे मूविंग एवरेज 8100 के आसपास दिख रहा है, तो वहां पे एक अच्छी खासे सब लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास बाइंग करनी चाहिए। बट इमीडिएटली शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में मेरे हिसाब से बिकवाली करके जाना चाहिए। जब तक 8600 क्रॉस नहीं करता है हर उछाल पे सेलिंग भी करना चाहिए। फॉर नियर टर्म, फॉर वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव 85 का एक स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं निफ्टी में, और 8400 का इसका लक्ष्य होगा अभी इमीडिएट के लिए। चलिए ठीक है, आपसे मैं स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा जारी रखूंगा, लेकिन आप बोल रहे हैं नियर टर्म में 8400 पहले लगेगा मार्केट पे, निचले स्तरों से दबाव रहेगा और 8500 का एक स्टॉप लॉस लगा के हायर लेवल्स पे फिर से बिकवाली करने की ही सलाह रहेगी। अलग अलग जानकारों से जानने की कोशिश करूंगा कि अब क्या करना चाहिए। जय ठक्कर साहब साथ साथ सुमित बागड़िया दोनों मौजूद रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे स्ट्रैटेजी। सबसे पहले जय ठक्कर जी इसमें जुड़े हैं शेर खान से, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हैं। जय जी शुक्रिया सर, बताइए निफ्टी पे क्या टारगेट सेट किए शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, और साथ साथ कौन सा स्टॉक आपके फोकस में है मिस्टर ठक्कर? हेलो, हाँ जी जय जी, निफ्टी पे आपके टारगेट्स और एक स्टॉक जिस पे आप बिकवाली की पोजीशंस बना रहे हैं। जी जी रजत जी, ओवरऑल निफ्टी पर मेरा बेरिश आउटलुक है, जो हिसाब से 8500 के लेवल ब्रेक हुए दिस इज मी, मेरा ये मानना है कि 8350 का एक नेक्स्ट टारगेट रहेगा, तो उसके साथ शॉर्ट करने की सलाह रहेगी मेरी। 8502 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और मारुति पर मेरी शॉर्ट करने की सलाह रहेगी रजत, जो हिसाब से मारुति में एक रिवर्सल देखने मिला है और लोअर टॉप लोअर बॉटम अप फॉर्मेशन बनने चालू हुए हैं, मेरा ये मानना है कि ऊपर की तरफ मारुति में 5810 का एक स्टॉप लॉस लगाकर वहां पर भी शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। 55-75 से लेके 55-50 के टारगेट रहने लगे। ओके ठीक है, मारुति पे अभी भी आपका व्यू नेगेटिव है और आप मान रहे हैं कि यहां से बिकवाली अभी और बढ़ेगी जो इसको ले जाएगी 55-75 तक सर के लिए 5810 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। शुक्रिया, मार्केट्स पे नेगेटिव अप्रोच है आपकी, 8350 का टारगेट देख रहे हैं आप। सुमित बागड़िया जी जुड़े हैं चॉइस ब्रोकिंग से। सुमित जी निफ्टी पे कॉल दें सर, और एक स्टॉक जहां पर आप खरीदारी बिकवाली एडवाइस करेंगे मौजूदा स्तरों पर। गुड आफ्टरनून, वेल निफ्टी के अंदर अभी फिलहाल वीकनेस देखने को मिल रही है। निफ्टी में ऐसा लगता है कि इमीडिएटली यहां से और करेक्शन देखने को मिल सकता है, जैसे ही अभी दोबारा 8450 के नीचे जाएगा तो यहां से हमको 8400 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। आई थिंक निफ्टी के अंदर किसी ने भी प्रेजेंट लेवल पे सीएमपी पे ट्रेड लेना है तो 8470 के लेवल चल रहे हैं, सेल करके काम करना चाहिए। 8510 का स्टॉप लॉस होगा और 8400 के टारगेट होंगे, एक से दो दिनों के टारगेट हो सकते हैं और स्टॉप लॉस 8510 का इंट्राडे बेसिस के ऊपर है। एक स्टॉक जो तेजी में लग रहा है वो है एचसीएल टेक में, यहाँ से एक तेजी का मूव समझ में आ रहा है, ऊपर में इमीडिएटली 795 और 810 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं।
आई थिंक एचसीएल टेक के अंदर अगर किसी ने काम करना है तो एक बार तेजी करके काम करना चाहिए। 760 का बहुत ही बढ़िया स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। और इमीडिएट टारगेट ऑफ 795 वो ब्रेक होता है तो 810। आज बहुत इंटरेस्टिंग है, एचसीएल टेक में बाउंस मिला है और अब इसको 795-810 के टारगेट्स के लिए चॉइस ब्रोकिंग की राय खरीदें 760 के स्टिक स्टॉप लॉस के साथ। आईटी में उतना कारनेज आज के सत्र में नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जो तेजी है वो है एफएमसीजी स्टॉक्स। आज फ्लेवरी मार्केट का सिर्फ एफएमसीजी है, अच्छी तेजी के साथ कामकाज हो रहा है। सभी स्टॉक्स आज डेरिवेटिव में जो चढ़े हैं उसमें एफएमसीजी शामिल हैं। आईटीसी ये लीड कर रहा है, कोलगेट, डाबर, साथ ही साथ एचयूएल जैसे स्टॉक्स में मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है। मैक्लॉड रसल भी अब 1% ऊपर आ गया, लेकिन आईटीसी आज पूरे ही स्पेस को आउट परफॉर्म कर गया, 4% की तेजी यहां पर देखने को मिली। और एफएमसीजी कंपनियों ने जीएसटी दरों का स्वागत किया है। पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण के मुताबिक जीएसटी से टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता आएगी, हालांकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पर कम टैक्स लगना चाहिए उनके मुताबिक। कोई भी प्रोत्साहित करना है या आयुर्वेद की भी प्रोडक्शन होगा तो निश्चित रूप से जड़ी बूटियों का जो कल्टीवेशन वाला काम है, किसानों को, खेत खलिहान वालों को ज्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जब रॉ मटेरियल का डिमांड ही नहीं होगा तो सप्लाई कहाँ से होगा, तो इसीलिए आयुर्वेद को नीचे वाला स्लैब में रखना बहुत जरूरी है। अभी हमारे संज्ञान में ये बात नहीं आ पाई है कि कौन से वाले स्लैब में इन्होंने आयुर्वेद को रखा है। बाकी जहाँ तक अगर ओवरऑल जो ढांचा बना है, निश्चित रूप से एक पूरे देश के अंदर जो विविध तरह की जो टैक्सेशन की जो सिस्टम है वो इस तरह का एक मकड़ा जाल था, काफी जटिल काम था। सीधे सीधे काम करने वाले लोगों के लिए या नए उद्यमियों के लिए या नया कारोबार शुरू करने चाहने वाले लोगों के लिए काफी जटिल प्रक्रिया थी, तो इससे जो है वो जटिल प्रक्रिया की जो स्थिति है उससे आदमी बाहर निकल आएगा, काफी उससे सुकून महसूस। चलिए, और एफएमसीजी स्टॉक्स आज फ्लेवर है मार्केट के, लेकिन एक नतीजा आया फटाफट से मैं वो अपडेट ले लेता हूँ। मैग्मा फिनकॉर्प के नतीजे जो ऑब्वियसली कल बाजार बंद होने के बाद आए थे, उसके बाद स्टॉक पे एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला। बॉटम लाइन थोड़ी बढ़ती हुई नजर आई है, 48.6 करोड़ के मुकाबले 50.4 करोड़ का मुनाफा, मार्जिनल इंक्रीज है बॉटम लाइन में कंसोलिडेटेड फ्रंट पे, लेकिन जो टोटल इनकम फ्रंट पे 610 करोड़ के मुकाबले 600 करोड़ का आंकड़ा जो है वो इस बार पोस्ट किया है, 4% का इजाफा बॉटम लाइन पे है। बात करने के लिए मेरे साथ सचिन खंडेलवार साहब जुड़े हैं, सीएसओ मैग्मा फिनकॉर्प के। सचिन जी बहुत शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर सबसे पहले तो एक कंसोलिडेटेड प्रॉफिट थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन स्टैंडअलोन प्रॉफिट में 17% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है, सर क्या कारण रहे? जी स्टैंडअलोन प्रॉफिट में जैसा कि हमारे एसेट बिजनेस में हमने काफी करेक्शन किए थे पिछले दिसंबर 2015 में, तो उसके बाद से जो हमारा इनकम है वो थोड़ा कम रहा है बिकॉज थोड़ा टाइम लगा मॉडल को सेटल होने में। और दूसरा जो है हमने अपना जो प्रॉफिट ज्यादा आरओए वाले प्रोडक्ट्स हैं, ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं, ज्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स हैं, उन पे फोकस हमने बढ़ाया। तो जैसा कि आप देखेंगे हमारा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें 6.8 की बजाय 7.3% तक हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन, करीब 50 पैसे हमने अपना मार्जिन जो ग्रॉस मार्जिन है वो बढ़ाया है। एसेट क्वालिटी फ्रंट पे इस बार कैसी अप्रोच थी कंपनी की, कैसा परफॉर्मेंस रहा और सीक्वेंशियली कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई देगी क्या? एसेट क्वालिटी में ऑलरेडी इस बार इम्प्रूवमेंट है एंड सिक्वेंशियली भी इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। लास्ट ईयर जो हमारा एनपीए का नंबर था, इंक्रीमेंटल एनपीए का 250 करोड़ का इंक्रीमेंटल एनपीए आया था लास्ट ईयर, इस साल फर्स्ट हाफ में सिर्फ 80 करोड़ आया है। उसमें भी अगर आप देखें तो फर्स्ट क्वार्टर में 55 करोड़ था और सेकेंड क्वार्टर में 25 करोड़ है उस 80 करोड़ में से, तो एक क्लियरली इम्प्रूवमेंट आ रहा है जो मानसून के डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारा रूरल कस्टमर ज्यादा है, अप कंट्री कस्टमर है, एग्री इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। हम जो कार फाइनेंस भी करते हैं वो ड्राइवर रूरल प्रोफाइल को होती है, तो क्योंकि एग्री इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट है मॉनसून के देखते हुए उसका हमें इम्पैक्ट दिख रहा है, कलेक्शन एफिशिएंसी इम्प्रूव हो रही है और हमें आगे भी कलेक्शन इम्प्रूवमेंट दिखेगा। जो हमारा कवरेज रेशियो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, ज़्यादातर प्लेयर्स का जो है फ्लैट है या नेगेटिव है, हमारा ये जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो इम्प्रूव हुआ है 21 से 24%। चलिए प्रोविजन कवरेज रेशियो इम्प्रूव हुआ है सर, लेकिन ये प्रोविजनिंग पे ही सवाल है कि वाई क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस दोनों ही फ्रंट पे प्रोविजनिंग बढ़ी है, वाई बेसिस पे 89 करोड़ से बढ़कर 95 करोड़ है। अब ये जो राइजिंग NPLs की प्रॉब्लम, क्या ये प्रॉब्लम लगती है कंपनी को या फिर इसको जल्द सुलझा लिया जाएगा गोइंग क्वार्टर्स, आने वाले समय के लिए कुछ गाइडेंस दें? मैं सर समझा रहा था जो इंक्रीमेंटल है उसमें वो 250 करोड़ के अगेंस्ट सिर्फ 80 करोड़ हुआ आधे साल में। अच्छा। तो आने वाले क्वार्टर्स में इम्प्रूवमेंट दिखने की उम्मीद है। दूसरा जो चीज है, जो नया पोर्टफोलियो जो हमने दिसंबर 14 से नया बिजनेस मॉडल लाए हैं वो अगर आप देखेंगे, अगर मार्च 17 को देखेंगे तो हमारी जो बुक होगी ऑलमोस्ट 40-45% उस नए बिजनेस मॉडल में होगी। वहां पे जो हमारी अर्ली डेलिंक्वेंसी है वो पिछले पुराने
जो बिजनेस में प्रॉब्लम हुए थे लास्ट दो साल में उससे आधी है, तो हमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। सर ये आखिरी सवाल होगा आपसे, जो जीएसटी की दरें तय हुई हैं इसका इम्पैक्ट आप अपने सेक्टर के लिए और अपनी कंपनी के लिए कैसे देखते हैं? देखिए जीएसटी का जो है दो चीजें हैं, पहला तो है उसका इम्पैक्ट जो व्हीकल सेल्स, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट 60-70% डिपेंडेंसी इज ऑन व्हीकल और उसके अलावा सिर्फ एसएमई और होम लोन्स है, तो उसमें तो कोई इम्पैक्ट होने की उम्मीद नहीं है। जो फाइनेंशियल सर्विसेज में है उसका रेट 15-18% वाले स्लैब में आया है, पर उसके 50% तो जो इनपुट क्रेडिट मिलता है फाइनेंशियल सर्विसेज को उसका क्लैरिफिकेशन एक पेंडिंग है, अगर वो रहेगा तो सिर्फ 1.5% का इम्पैक्ट आएगा इंक्रीमेंटल, जो कि ज्यादा नहीं है और हर एलिमेंट पे होता भी नहीं है, जो डीएसए पे और कमीशन और जो हमारे वेंडर इन्वॉइसेस होते हैं सिर्फ उसी पे रहता है जीएसटी सर्विस टैक्स का इम्पैक्ट। Right, तो बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशन नहीं आना चाहिए फाइनेंशियल सर्विसेज। चलिए बहुत ज्यादा असर नहीं देखते हैं आप अपने बिजनेस पे जीएसटी का। बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। हालांकि आज मैग्मा फिनकॉर्प के नतीजे के बाद जो है स्टॉक पे 11% के आसपास की गिरावट देखने को मिली।